हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाघ है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सिंपल इजी लुक के साथ ब्यूटीफुल दो ओपन हेयर के लिए हेयर स्टाइल एंड सिंपल सा मेकअप। मेकअप तो नहीं करूंगी, बट क्या डेली रूटीन होती है मेरा स्किन केयर में, तो वो बताने वाली हूँ। और मैं जाने वाली हूँ आज राजस्थान अपनी सिस्टर के पास, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। कैसे रेडी हो रही हूँ वो बताती हूँ। आप भी सिंपली कहीं छोटा मोटा सा जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट होता है इसका, क्या मेकअप आपको डेली बेसिस पे नहीं करना चाहिए। बाहर जा रहे हो तो आप मेकअप को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, मतलब मेकअप को स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लैक्मे पीस मिल्क का मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर लगाने से पहले थोड़ा सा गुलाब जल अपने फेस पे स्प्रे करूंगी इस तरीके से। मुझे मेकअप करना उतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट वीडियो के चलते मुझे करना पड़ता है वीडियो की वजह से। तो मैंने यहाँ पे टोनर नहीं है मेरे पास, तो मैंने गुलाब जल लगाया एंड मॉइस्चराइजर को अच्छे से स्किन पे लगाऊंगी। और ये मॉइस्चराइजर मैं लेके भी जा रही हूँ, तो अभी मैं ट्रैवल करने वाली हूँ तो मैं सनस्क्रीन भी लगाऊंगी। उसके साथ मैं आपको दो हेयर स्टाइल बताऊंगी। सनस्क्रीन लगाने के बाद से थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने सूखने देंगे ताकि अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। मेरी आईब्रोज थोड़ी सी कम है, पहले से तो बहुत अच्छी हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा कम थी। तो आईब्रो फील करूँगी, देन लिपस्टिक लगाऊंगी और दैट्स इट। उसके बाद अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट करूँगी। तो हेयर स्टाइल में क्या करने वाली हूँ वो भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया तो चैनल साहब अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड डे बाई डे आते रहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल प्रीति वाई टू है, उस पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिलाई कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इजीली प्रीति वाई टू सर्च करोगे तो सेकंड चैनल का भी लिंक आ जाएगा, सेकंड चैनल आ जाएगा, उस पर जाकर विजिट कर लीजिए। इंस्टा आई डी प्रीति वाई 24 है। तो अभी मैंने बाल बाल भी नहीं झाड़ा है, बट मैंने सोचा स्टार्टिंग से आपके साथ शेयर करूँ सब कुछ। तो आईब्रो फील करने के लिए मैं जेल आई लाइनर यूज कर रही हूँ, जो कि आपको पता है मैं बहुत लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ जेल आई लाइनर ये वाले ब्रश से। तो मेरी आईब्रोज देखिए आप ध्यान से, ये वाली आईब्रोज तो ठीक है, बट इसमें कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है। ये प्रॉपर अच्छे से है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है एंड यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अपना आईब्रो फील करना पड़ता है हमेशा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। ओके, ताकि सेम हो जाए। फील करना भी बहुत, मतलब सिर्फ फील नहीं करना होता, हमको परफेक्ट शेप देना होता है अपने फेस के लिए, फेस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ का मेकअप में। अब यहाँ पे हमारे हेयर नहीं है, यहाँ पे मैं इस तरीके से, नीचे में भी नहीं है, इस तरीके से परफेक्ट शेप बस दे रही हूँ मैं अपने आईब्रो को दूसरे वाले आईब्रो के अकॉर्डिंग। अक्सर हमने देखा है कि आईब्रो जो होता है हमारा, दोनों आईब्रो कभी भी सेम नहीं मिलता है, बहुत कम ही लोगों का होता है जिनका बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल सेम हो दोनों आईब्रो। तो हमको हमेशा मेकअप के थ्रू उनको अच्छे से सेट करना पड़ता है, परफेक्ट दिखाना होता है। तो अभी दोनों आईब्रो परफेक्ट एक जैसे दिख रही हैं, बट डिफरेंट क्या है, ये वाली आईब्रो लाइट दिख रही है क्योंकि ये हमने फील किया है, तो काफी अच्छी दिख रही है। तो इस वाले आईब्रो में कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डार्क कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी हमारी ग्रोथ अच्छी खासी है एंड हाँ लाइट तो है मेरे हेयर नो डाउट, जिसकी वजह से मुझे अपना आईब्रो हमेशा फील करना पड़ता है। और बहुत सारा वीडियोस दिख रहा है जिसमें आईब्रो को कलर किया जा रहा है एंड, तो वो आपके आईज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है, बट अपने अपने फैशन का दौर है तो उसमें नुकसान की चिंता लोग नहीं करते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है। हो सकेगा तो मैं भी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी इस टॉपिक पे कि आईब्रो पे कलर कैसे करते हैं, क्योंकि मेरी
ऑलरेडी लाइट डैन हेयर, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी करवाऊँ, बट आईज पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन सब चीज़ों का, इसलिए मैं नहीं करवाती हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिप बाम, नेचुरली का लिप बाम, पूरा अच्छे से मेकअप करने के बाद मैं लगाऊंगी। बिल्कुल लाइट पिंक, बेबी पिंक का लिप बाम है ये। अब मैं करूँगी अपना हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल से पहले मैं थोड़ा सा काजल अप्लाई करूँगी, ये काजल फैल सकता है एंड सर्वल करना है तो लुक बिगड़ सकता है। इसलिए मैं जो है वो लैकमे का है, सॉरी लोटस का है जो कि ख़त्म होने वाला है, तो ये भी खरीदूँगी मैं। तो अभी इसको अप्लाई नहीं कर रही, फिर मैं हेयर स्टाइल बना लूँ और हेयर स्टाइल की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मेरा फाइनल लुक देख लीजिए। तो बालों को मैंने सुलझा लिया है। अगर आपके बाल छोटे हैं या ओपन रखना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही प्यारा बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसके लिए आपको दो बॉबी क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, दो या चार। तो इस तरीके से आपको बॉबी क्लिप या टिक क्लिप भी कर सकते हो अपने पास। यहाँ से हेयर को उठाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, दूसरे को टिक टैक क्लिप से होल्ड करेंगे, सेकेंड लेयर उठाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, तीनों लेयर्स को एक साथ कर लेंगे, इस तरीके से लगाएंगे और क्लिप को लगा देंगे। रहना बहुत ही ईजी, एक साइड आप इस तरीके से रख सकते हो, दूसरी साइड में भी आपको सेम उसके अकॉर्डिंग जहाँ से आपने फर्स्ट लेयर उठाया था वहीं से लेयर लेना है। बालों को पीछे कर देती हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। जैसे हमें दूसरी साइड किया था सेम उसी तरीके से इस साइड भी करेंगे और दो या एक बॉबी क्लिप से अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, वो भी काफ़ी प्यारा और इजी है। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, छोटे बाल हैं आपके, आप इस तरीके से बना सकते हो और जा सकते हो कहीं भी। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में खुले बालों के लिए बना रहे हैं, हम इस तरीके से करेंगे हेयर को। ऊपर इस तरीके से सेंटर पार्ट के से बालों को उठाएंगे, थ्री पार्ट से डिवाइड करेंगे, फिर थ्री पार्ट से निकालेंगे,
जैसे सिंपल जैसे नॉक लगाते हैं हम लोग, वैसे नॉक लगाएंगे। ऊपर वाले हेयर को टाइटली पकड़ेंगे इस तरीके से, खींच के नीचे वाले लेयर को छोड़ देंगे। फिर नीचे वाला जो लेयर छोड़ा है उसको छोड़ देंगे साइड से, दूसरा लेयर उठाएंगे और जो हमने पहले वाला पकड़ रखा था उसके साथ इसको फिर से नॉट लगाएंगे। ऊपर से इसको खींच लेंगे, इसको टाइट कर देंगे और फिर से सेकेंड लेयर को छोड़ देंगे। फिर से थर्ड लेयर उठाएंगे और इसको नॉट लगाएंगे, इसको खींचेंगे और छोड़ देंगे। ये वाला वाला ऊपर हो जाएगा, इसको दोबारा भी खींच लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये लेयर मेरा छोटा है तो निकल सकता है इसलिए। अगर आपको लगे कि ऐसे करते अगर हमारा बार छोटा पड़ जाता है, जैसे मेरा यहाँ पड़ गया है, तो आप एक यूपी लेके तो अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं अंदर, जिससे कि निकलेगा तो आपका जो गैस जाएगा वो तो अफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके का दिखाएगा यहाँ पे, जो ये हमने छोड़ा हुआ है ये ऐसे निकल रहे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करेंगे, लेयर्स को पकड़ेंगे जो फ्रंट में लेयर है उनके साथ सिंपली ट्विस्ट करते जाएंगे। लेयर को निकाल देंगे,
बैक फेस लेके सारे हेयर को पकड़ेंगे, यहाँ से भी हेयर को निकाल लेंगे। अच्छे से अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। नेक्स्ट में कोई मेकअप नहीं करें, कोई हाइलाइटर ब्लश कुछ भी नहीं, फाउंडेशन क्रीम बाहर जाते तो मैं एडवाइस दूंगी कि आप लोग भी कुछ भी ना यूज करें। सनस्क्रीन बस सनस्क्रीन नहीं स्किप करना है, मॉइस्चराइजर नहीं स्किप करना है, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट आप ना यूज करें। आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। Thank you.
काफ़ी प्यारा लुक लग रहा है। लेयर्स को निकाल के अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। अगर पार्टी फंक्शन में कर रहे हो तो और हेयर को कर ही कर दीजिए, बस आपका बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। लेकिन हमको कहीं जाना है तो हम इस तरीके से नहीं रख सकते पूरे का बाल को कर ही करके, तो हमको मम्मी बालों को हाल को अच्छे से एक साथ ले जाएंगे और यहाँ पर ले जाकर पूरी कर। ज़्यादा लेयर्स में नहीं डाल रही क्योंकि ट्रैवल में मुझे बाल थोड़े से भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है। थोड़ी वो कंप्लीट कर देंगे अब आप चाहो तो क्लिप को निकाल सकते हो और चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मुझे आते हुए कहीं मेरा हेयर खुल जाए और मुझे डिस्टर्ब हो। अभी से इसके रबर बैंड से कॉल कर एक यूपीएन की वजह से रबर बैंड को हाइड कर देंगे और इस तरीके से यूपीएन को लगा देंगे। नेक्स्ट वीक कैसा लगा ये पोली के हेयर से आज मुझे पसंद आया है, मुझे अच्छी लगी हो, मेरा हेयर अच्छा लगा है। ताकि और भी इस तरीके की ईजी स्टाइलिश अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ, करते हुए मैं ऐसे ही लगाऊंगी इस तरीके से एंड ऐसे यहाँ से इस तरीके से ये वाला सिंपल एक हेयर लेके रखेंगे और पिन लगाने आप पिन भी लगा सकते हो।